हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमित नाहर आर्ट्स। आज हम सीखेंगे नीडेबल इरेजर से पोर्ट्रेट कैसे बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम कंप्रेस्ड चाकुल से कुछ ऐसा खेल करेंगे जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन ज़रा रुकिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। नीडेबल इरेजर से पोर्ट्रेट बनाने से पहले हम शीट के ऊपर कंप्रेस्ड चाकुल से कुछ इस तरह से पूरे शीट को फिल कर देंगे। दोस्तों, अब बारी आती है नीडेबल इरेजर से पोर्ट्रेट बनाने की। तो नीडेबल इरेजर के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं कि नीडेबल इरेजर होता क्या है। तो नीडेबल इरेजर से इस तरह से पोर्ट्रेट बनाने की टेक्निक को हम नेगेटिव शेडिंग टेक्निक भी कह सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, इस तरह के पोर्ट्रेट बनाने की टेक्निक में इस्तेमाल होने वाले टूल्स जैसे कि कंप्रेस चारकोल, नीडेबल इरेजर और ब्लेंडिंग स्टम्प्स, इन तीनों के बारे में हम पहले। तो इस तरह के पोर्ट्रेट टेक्निक में यूज होने वाले तीन मटेरियल यानी कंप्रेस चारकोल, ब्लेंडिंग स्टम्प्स और नीडेबल इरेजर, यही तीन टूल्स यानी तीन मटेरियल्स का यूज करके हम इस तरह का पोर्ट्रेट क्रिएट कर सकते हैं। पर जाहिर है इसमें खास रोल नीडेबल इरेजर का ही होता है। इसमें कुछ हद तक डिटेलिंग के लिए आप चारकोल पेंसिल या विलो चारकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और विलो चारकोल क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो दोस्तों, ये है हमारा फिनिश्ड वर्क। आई होप ये टेक्निक और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। तो अगली वीडियो आने तक आप इसे प्रैक्टिस करें, और तब तक के लिए बाय बाय, स्टे क्रिएटिव।